प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो थ्री हमको वेरीफाई करने को बोला गया है कि ए इंटू एड जॉइंट ए इक्वल टू एड जॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई जहाँ पे आई एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है फॉर द गिवन मैट्रिक्स वन माइनस वन टू थ्री जीरो माइनस टू वन जीरो थ्री वीडियो को यहाँ पे पॉज करें और सवाल खुद ट्राई करें आइए सॉल्यूशन देखते हैं सबसे पहले हम गिवन मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट्स के को फैक्टर्स निकालते हैं जिससे हम उसका एड जॉइंट निकाल पाएं तो एड जॉइंट हमारे पास आता है ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स तो फाइनली एड जॉइंट हमारे पास आता है जीरो थ्री टू माइनस एलेवन वन एट और जीरो माइनस वन थ्री अब सबसे पहले हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल लेते हैं क्योंकि वो हमारे प्रूफ के थर्ड पार्ट में यूज़ होने वाला है उसकी वैल्यू निकालते हैं तो हमारे पास आता है एलेवन अब गिवन वैल्यूज़ को एक जगह लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू इलेवन एंड एड जॉइंट ऑफ इक्वल टू दिस मेट्रिक्स अब जो चीज़ें प्रूव करनी है उनको देखते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आइडेंटिटी मेट्रिक करने पे मेरे पास आता है इलेवन जीरो जीरो ज़ीरो इलेवन ज़ीरो ज़ीरो जीरो इलेवन और ए इंटू एड जॉइंट ए दो मेट्रिस को आपस में मल्टीप्लाई करने का हमने तरीका पिछले चैप्टर में देखा हुआ है जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है सेम मेट्रिक्स और इन्हीं दोनों मेट्रिसेस को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में मल्टीप्लाई करें तब हम देखते हैं तब भी हमारे पास सेम मेट्रिक्स आता है तो इससे क्वेश्चन में दी हुई चीज़ प्रूव हो जाती है फॉर द गिवन मेट्रिक्स ए